माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ द फेस शॉप के इन दो जेल्स का रिव्यू। सो मैंने इसको बहुत बहुत पहले लिया था, इस ईयर की लाइक स्टार्टिंग में ही लिया था, फेब्रवरी में, और उसके बाद से मैं इन दोनों को यूज़ करते हुए आ रही हूँ। इसको मैंने समर में यूज़ करना स्टार्ट किया है क्योंकि ये जो है ये आइस वाला है एंड विंटर्स में मैं इसको नहीं लगा सकती थी क्योंकि बहुत कूलिंग होता है। सो गाइज़, रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मीशो ऐप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एंड रीसेलिंग स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और रीसेलिंग स्टार्ट कर देनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो गाइज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से आपको करना है ऐप को डाउनलोड और साइन अप करना है, एंड मेरा जो रेफरल लिंक है वहाँ से करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। सो मीशो जो है नो इन्वेस्टमेंट ऐप है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बस रीसेलिंग करनी है एंड रीसेलिंग के लिए आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ऐप डाउनलोड करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। ब्राउज़ करो, मतलब मीशो पे जाओ, ब्राउज़ करो, सर्च करो, कैटलॉग बनाओ, कैटलॉग जो बने होते हैं उनको अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, देन जीरो इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ग्रुप्स बना लो उन पे शेयर करो और अपना मार्जिन निकालो। आप देख सकते हो बहुत सारे कैटलॉग्स हैं, मेंस, वुमेंस, एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, मेकअप, ज्वेलरी, सो बहुत कुछ है मीशो पे, अलग अलग कैटलॉग्स हैं। आपको उन कैटलॉग को सीधे सीधे शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, आपका कोई भी फ्रेंड परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसका मार्जिन निकालना है एंड ईजी रिटर्न है। अगर आपके फ्रेंड को नहीं पसंद है तो ईजिली रिटर्न भी हो जाता है, रिटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड जो आपका मार्जिन, जो प्रॉफिट है वो होगा। अगर प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का है तो इसमें आप अपना प्रॉफिट 100 निकाल लो और 400 रुपीज़ जो है अपने फ्रेंड को बता दो कि 400 इस प्रोडक्ट का प्राइस है एंड 100 रुपीज़ जो है प्रॉफिट, वो आपका जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट होगा। एंड उसके बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसके लिए तो आप वो भी कर सकते हो। विद इन अ वीक एवरी वीक जो है ट्यूजडे को आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। सो हैप्पी अर्निंग 25,000 तक आप मीशो की ऐप से कमा सकते हो। सबसे जो अच्छा प्रोडक्ट है वो है ये, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये है लोटस वाला फ्रेश लोटस सूदिंग जेल फ्रॉम द बॉडी शॉप, द फेस शॉप। सो द फेस शॉप अगर आपको नहीं पता तो ये एक कोरियन ब्रांड है जिस पे आपको कोरियन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इनमें लाइक सब कुछ कोरियन में लिखा रहता है एंड बहुत मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने इसका रिव्यू किया हुआ है, फैशन ब्लॉगर, ब्यूटी ब्लॉगर्स ने। तो आई थॉट कि हाँ अच्छा होगा ये प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने ट्राई किया एंड रियली में ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अनहाइजीनिक लगता है क्योंकि हैंड्स आपको डिप करने पड़ते हैं निकालने के लिए, सबका यही है। इस वाले की ट्यूब में भी आती है ये, जो है ये ग्रीन वाला होता है, बट ये जो है दोनों ये आपको आई थिंक इसी फॉर्म में मिलते हैं। सो इस टाइप की पैकेजिंग है एंड ये है, तो आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत यूज़ किया, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था और इसको मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत सूदिंग एंड लाइक बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और बिल्कुल क्लियर जेल फॉर्म में है, बिल्कुल क्लियर है ये एंड खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लिड के साथ आता है। तो ये पैकेजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोटस टाइप में इसको बना रखा है और इसका जो प्राइस है वो है 490 रुपीज़। तो मैंने ये लिया था 375 या 400 तक में मैंने इसको ले लिया था एंड ये लिया था मैंने आई थिंक मित्रा या फिर अमेजोन, तो जहाँ से भी लिया होगा उसका लिंक मैं दे दूँगी। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज़ किए थे ये तीनों ही प्रोडक्ट्स। देन इसमें आपको 285 ml मिल जाएगी, क्वांटिटी सबसे मेन आती है अगर आप प्राइस पे कर रहे हो इतना अच्छा, 490 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हो तो उसमें आपको अगर इतनी क्वांटिटी मिल रही है तो आई विल से इनफ क्वांटिटी है। एक ईयर ये आपका बहुत आराम से चलेगा अगर आपने रेगुलर यूज़ भी किया है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हम, बहुत थोड़ा सा लेते हैं, अगर फेस पे भी जेल लगाना तो थोड़ा सा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। देन ये करता क्या है, तो मैं जब अपना फेस वॉश करके आती हूँ रेगुलरली, स्किन केयर नहीं फॉलो कर पाती हूँ, कभी कभी बहुत अच्छे से करती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, मन नहीं होता है, मूड नहीं होता है, बहुत काम होता है या टाइम नहीं मिलता है, जो भी है आप जो भी समझ लो, तो उस टाइम मैं करती हूँ अपना फेस वॉश करके आती हूँ, टोनर अप्लाई करती हूँ एंड सिर्फ और सिर्फ ये जेल अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई भी नहीं है एंड ऑयली भी नहीं है, तो मेरे लिए जेल एकदम परफेक्ट है। ये जेल सबसे बेस्ट रहेगा ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, बट ड्राई स्किन वाले लगा के मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करें
बट जिनकी ऑयली है और मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करूँ, तो उसके लिए अच्छा बिल्कुल क्लियर जेल है, आपके फेस को बहुत ही स्मूथ बना देता है एंड एज अ मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसको नाइट टाइम अप्लाई कर सकते हो, एज अ मास्क अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी अपने फेस पर लगा लो तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। आप फुल नाइट लगा के सो जाओ अच्छे से, स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी लिक्विडी है, मतलब जेल में है स्टिल ये इतना लिक्विडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है एंड सी गिर गया, तो आप देख सकते हो ये बहुत लिक्विडी है, बिल्कुल पानी की तरह है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये जो जेल है, तो आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देगा चाहे विंटर्स हो या समर्स हो। तो फर्स्ट तो हो गया ये इसको मैं बिल्कुल थम्स अप दूंगी इस वाले प्रोडक्ट को। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है जीजू एलॉय आईज वाला, द फेस शॉप का आईज वाला है ये, इसको मैं अपने फ्रीजर में रखती हूँ, इसको मैंने अप्लाई किया था, ये है सनबर्न के लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट, मतलब सनबर्न के लिए ही है। सो आपको अगर पता हो मैं बहुत रेयरली मतलब घर से निकलती हूँ, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टाइम पे बहुत कम ही निकलती हूँ, क्योंकि मैं ना जॉब पे जा रही हूँ ना कॉलेज, मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, तो मैं मोस्टली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून घर पे ही रहती हूँ, इवनिंग में कभी कहीं जाना होता है फैमिली फंक्शन या कुछ भी तो इवनिंग के टाइम ही निकलती हूँ मैं। सो सनबर्न टाइप मुझे कभी हुआ ही नहीं है इतने लाइक लास्ट वन ईयर से, तो इसका इतने अच्छे से मैं नहीं रिजल्ट बता पाऊँगी, बट जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो रिज़ल्ट इसका ये है, बहुत सूथ करता है आपकी स्किन को, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है एंड ये है सनबर्न के लिए। तो अगर आपको सनबर्न है आईज़, आप ये बिल्कुल आईज़ की तरह मतलब फ्रीज हो जाता है, इसको अगर आप फ्रीज़र में रखो और फिर थोड़ा सा लो एंड जहाँ पे भी आपको सनबर्न है, जो भी आपका एरिया एक्सपोज है, नेक बैक साइड होता है, ये एरिया एक्सपोज होता है, हैंड्स होते हैं, पैरों में भी लगा सकते हो फेस पे, तो इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। एंड ये है एक मॉइस्चराइज़र, इसको आप लाइक आते ही अपना फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लो और मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो। सो इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है एज यू कैन सी, एंड ये भी ऐसे लिड के साथ आता है, ये भी सेम बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, लिक्विडी है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये भी। सो दोनों ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला लगा, लोटस वाला। सो सनबर्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, इस पर लिखा है कि सनबर्न को रोकेगा। सो अगर आप कॉलेज ऑफिस गोइंग हो और इवनिंग के टाइम आते हो, मतलब धूप में आ रहे हो, आफ्टरनून में आ रहे हो या मॉर्निंग टाइम जाते हैं आपको टैनिंग हो रही है, तो उन सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑफिस से आओ, कॉलेज से आओ, फेस वॉश सब कुछ अच्छे से करो एंड देन आप इसको अच्छे से अपनी स्किन पर रखो, इसको मसाज नहीं करना होता है, सिंपली स्किन पे लगा लो हल्की सी लेयर एंड आफ्टर दैट आप वॉश कर लो। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स में पैराबिन भी नहीं डला हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉर्मुलेटेड विदाउट 5 एडिटिव्स, पैराबिन, टैग, टार्क, कोलरेंट, मिनरल ऑयल, इन सबसे दूर है ये प्रोडक्ट, तो पैराबिन नहीं है, ये अच्छी बात है इन दोनों प्रोडक्ट्स की। सो आई होप आपको इन दोनों का रिव्यू अच्छा लगा होगा और अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।